अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही थी बहुत मज़ेदार से चाइनीज़ राइस, तो उसकी रेसिपी मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। तो उसके लिए मैंने एक पानी बॉयल होने रखा है और उसमें डाला है 3 टेबल स्पून नमक और 2 ग्लास डाल रही हूँ मैं चावल। पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो ही हम उसमें चावल डालेंगे। और चावल को हाफ डन करना है, यानी कि हम फुल नहीं पकाएंगे, एक कनी छोड़ देंगे चावल में। तो देखें, हमारी एक कनी रह गई थी, तो चावल को मैं इसका पानी ड्रेन कर दूंगी और इसको इसी छन्ने के अंदर मैं छोड़ दूंगी चावलों को। और जो ये जो देखती है, इसी के अंदर मैं इसका जो है वो तैयार करूंगी ताकि अच्छी सी इसमें स्मेल आ जाए। हाँ, लिए मैंने शिमला मिर्च 2 किस्म की, 2 अंडे, 1 बड़ी बंद गोभी ली है। अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे, बहुत अच्छे से फेंट लेंगे खाली अंडों को। तो यहाँ ली थी 1 बड़ी बंद गोभी, बारीक जो है हरी प्याज कटी हुई ली है, नमक लिया है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लिए हैं मैंने काली मिर्चें, सोया सॉस लिया है यहाँ मैंने, और यहाँ लिया है चिली सॉस। तो चलें आइए शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है और इसमें मैं जो है वो अंडे फेंट के डाल दूँगी। अच्छे से फेंट लेने अंडे और गर्म ऑयल में हम डाल देंगे। और इसमें जो है ये थोड़ा सा जैसे हार्ड होने लगे तो इसमें अच्छे से चमचा चला लीजिएगा ताकि जो है रेशे रेशे टाइप बन जाते हैं इसके, बहुत मज़े का मतलब इसमें टेस्ट आता है ऑयल में। मैं इसलिए इसी बर्तन में कर रही हूँ ताकि इसका जो ऑयल है उसमें खुशबू आ जाए अंडे की, तो सब्ज़ियों की अंडे की इसी ऑयल में खुशबू आ जाए, वरना अलग से करो तो वो बात नहीं आती। खाओ तो जहाँ जहाँ वो चीज़ होगी वही टेस्ट आएगा, इससे ये होता है पूरे राइस में टेस्ट आ जाएगा। तो आप देखें इसको अच्छे से हमने कर लिया है, कितना अच्छे तरीके से अंडा हो गया है हमारा। तो इसमें मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च ली है और यहाँ ली है मैंने लाल शिमला मिर्च। तो देखें 2 किस्म की डाली है। यहाँ ली है मैंने बंद गोभी बारीक कटी हुई, यहाँ ली है मैंने हरी प्याज बारीक कटी हुई, लेकिन मैं अभी डालूंगी नहीं। लेकिन इसमें काली मिर्चें मैंने 1 टेबल स्पून डाली हैं, 1 टेबल स्पून नमक डाला है, जो बारीक कटी हुई हमारी हरी प्याज है वो हम एंड में डालेंगे। यहाँ लिया है 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस और 1 ही टेबल स्पून लिया है मैंने सोया सॉस। तो यहाँ इसमें हम अच्छे से चमचे चला लेंगे। तो यहाँ आप देखें मसाला कितने अच्छे से इसमें वो हो रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे हाफ डन राइस थे, वो ऐड कर दूंगी मैं। इस तरह से हम फैला फैला के डालेंगे ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। सब्ज़ी मैंने इसलिए कम लिया, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि मैं चिली सॉस के साथ खाऊंगी, चिकन चिली सॉस के साथ, तो उसमें ज़्यादा जो है वेजिटेबल्स होती हैं, तो इसमें इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो कितनी ईजी और मज़ेदार रेसिपी है, कम टाइम में कितने अच्छे। इसमें चाहें तो आप चिकन बॉईल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन मैं सॉस में डाल चुकी थी तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब तो आप देखिए अंडा और वेजिटेबल्स कितनी अच्छी लग रही हैं, इसमें कलर भी कितना अच्छा है हमारे चावल का, बिल्कुल वाइट। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। इसमें थोड़ी ऊपर से और काली मिर्चें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे दोबारा से 5 मिनट के लिए टाइम देखकर, क्योंकि एक कनी मैंने छोड़ दी थी इसमें चावलों की। और यहाँ देखें मैं इसको दम पे रख दूंगी और जब हमारे चावल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल देखें कितना अच्छा इनका कलर आया है और बहुत मज़े के बने थे। यहाँ मैंने इसको ढक दिया था 5 मिनट के लिए और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके
उसके ऊपर हरी प्याज डाल देंगे हम। जो हरा पार्ट होता है इसका, ग्रीन पार्ट होता है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और ऊपर से छिड़क दिया था। और यहाँ मैंने सॉस की रेसिपी मैंने नीचे दी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है, मज़ेदार सी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।